दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने naukri.com के अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे। यदि आप naukri.com की ईमेल से या मैसेजेस से परेशान हैं तो आप इसके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल, आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर naukri.com पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सिंपल इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। जिस भी अकाउंट को आप परमानेंटली बंद करना चाहते हैं उस अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन है, तो सिंपल आप यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे एक ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड मोर, तो आप सिंपल इस रीड मोर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे आपके अकाउंट को क्लोज करने के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट फॉर, तो हम सिंपल इस ड्रॉप डाउन मेनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक दोस्तों होता है कि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, एक होता है दोस्तों कि आप कुछ समय के लिए यानी टेम्परेरी अपने अकाउंट को सस्पेंड या फिर डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन दिखाया गया है वो डीएक्टिवेट का है, यानी आप अपने अकाउंट को जब तक दोबारा लॉगिन नहीं करेंगे तब तक यह बंद रहेगा, लेकिन फिर भी आपके मेल पर मेल और मैसेज आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो हम अपने अकाउंट को सिंपल डिलीट करने वाले हैं, तो हम इसको चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करने पर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रीजन पूछा गया है कि आप किस रीजन से अपने इस अकाउंट को बंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक रीजन चूज़ कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ आई एम गेटिंग टू मैनी ईमेल्स, तो हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है डिलीट अकाउंट का, तो हम सिंपल डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड डालना होगा, तो जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड हो वो सिंपल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपना पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट एंड लॉग आउट पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ से लॉगआउट कर दिया गया है। लॉगआउट होने का मतलब ये है कि हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप अपने naukri.com के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।